कुछ ऐसी शक्तियां हैं, उसे अनजान है कि वो ब्रह्मास्त्र की किस्मत का सिकंदर है। शिवा, ईशा, मैं आग से जलता नहीं, कुछ रिश्ता है मेरा आग से, आग मुझे जलाती नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे फिल्म ब्रह्मास्त्र के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन एंड बजट के बारे में। दोस्तों बात करें आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर स्टार फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन एंड बजट की, तो सबसे पहले इस फिल्म की बात करें तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र पिछले कुछ दिनों में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस फिल्म को लेकर फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं फिल्म को बॉयकॉट को लेकर के फिल्म को काफी जगहों पर बॉयकॉट भी किया जा रहा है। दोस्तों फिल्म का इंतजार खत्म हो चुका है और आयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र देश ही नहीं दुनिया भर में बड़े पैमाने पर रिलीज कर दी गई है। दोस्तों बात करें फिल्म ब्रह्मास्त्र के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन की, तो फिल्म ने अपने डे वन में अच्छी शुरुआत की है। फिल्म के एडवांस बुकिंग होने का काफी फायदा मिला है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म ब्रह्मास्त्र 2022 में केजीएफ 2 के बाद बॉक्स ऑफिस पर दूसरी हाईएस्ट ओपनिंग लेने वाली शामिल होती नजर आ रही है। दोस्तों बात करें फिल्म ब्रह्मास्त्र के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन की, फिल्म ने अपने डे वन के अंदर हिंदी वर्जन में 25 से लेकर के 30 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। वहीं फिल्म का ऑल लैंग्वेजेस में 35 करोड़, तो वहीं आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना में 5 करोड़, वहीं फिल्म का कर्नाटका में 3-4 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन रहा। तमिलनाडु से फिल्म का 2-3 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। वहीं फिल्म का टोटल ऑल लैंग्वेजेस इंडिया से कलेक्शन 45-50 करोड़ के बीच में है। वहीं फिल्म का ऑस्ट्रेलिया से 1.23 करोड़, वहीं फिल्म का यूएसए से 2 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। वहीं दोस्तों फिल्म के अभी तक के टोटल वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात कर ले तो फिल्म ब्रह्मास्त्र ने अपने डे वन में टोटल वर्ल्ड वाइड में 65-70 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। तो दोस्तों वहीं फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा को ओवरऑल 410 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। फिल्म के स्क्रीन्स की बात कर ले तो फिल्म को टोटल वर्ल्ड वाइड में 8,913 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है, जहां फिल्म का इंडिया से टोटल स्क्रीन्स 5,019 स्क्रीन्स है, वहीं फिल्म का ओवरसीज से 2,894 स्क्रीन्स है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म ब्रह्मास्त्र को हिट होने के लिए 410 करोड़ के आंकड़े को पार करना होगा। चलिए दोस्तों फिल्म की कहानी की बात कर ले। एक लड़का है शिव, उसे पता नहीं है कि वो हीरो है, लेकिन वो है। दशहरा और दिवाली के बीच हुई कुछ घटनाओं के चलते उसे खुद पर शक होता है, उसे लगता है कि उसके साथ सब कुछ लोचा है। आगे आगे कहानी क्लियर होती है और मालूम चलता है कि भाई के पास कुछ शक्तियाँ हैं जो उसे योद्धा बना सकती है। युद्ध किसके खिलाफ होगा? युद्ध होगा एक बलशाली निगेटिव कैरेक्टर के खिलाफ, जिसके नौकर दुनिया में घूम घूम ब्रह्मास्त्र को हासिल करने की जुगत भिड़ा रहे हैं। ब्रह्मास्त्र 3 हिस्सों में बटा हुआ है और उन नौकरों को उसे एक जगह लाकर जोड़ना है। इसी हिस्सों में बटे ब्रह्मास्त्र को हासिल करने और उसकी रक्षा करने की कहानी है ब्रह्मास्त्र की ये पहली किस्त। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म में कौन कौन है। ब्रह्मास्त्र के पहले चैप्टर में शिव मुख्य कैरेक्टर है। शिव का रोल रणबीर कपूर ने किया है। उनके साथ आलिया भट्ट है जो ईशा का रोल निभा रही है। गुरु रघु के रूप में अमिताभ बच्चन है। शाहरुख खान और नागार्जुन के छोटे छोटे लेकिन अहम रोल है। उसके अलावा मोहिनी रॉय और सौरभ गुर्जर पूरी फिल्म में दिखते हैं। दोनों एंटी हीरो कैरेक्टर है और आप पूरी फिल्म में किसी भी समय पर इनका पक्ष नहीं लेते दिखेंगे। इसके अलावा 3 जगहों पर टिंपल कपाड़िया भी दिखाई देती हैं। दोस्तों फिल्म को बॉयकॉट होने की मांग काफी जोरों शोरों से हो रही है। दोस्तों बॉयकॉट होने के कठिन परिस्थितियों में क्या ये फिल्म चल पाएगी या नहीं, क्या ये फिल्म सिनेमाघरों में कमाई कर पाएगी या नहीं, और क्या ये फिल्म ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने में सफल हो पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है? आपने फिल्म ब्रह्मास्त्र देखी या ना देखी? कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताएं। तो दोस्तों ये था लेखा चौका हाल फिल्म ब्रह्मास्त्र के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन का। तो दोस्तों पोस्ट पसंद आए तो लाइक करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉलीवुड के गलियारों से लेटेस्ट खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे इस एंटरटेनमेंट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।